नहीं तो नीचे आ जा सर। अरे 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 नहीं सर, अरे सर नहीं तो आगे आ जाओ। अरे आप पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ सर, पीछे आ जाओ। अरे यार भाई यार, अरे पीछे आओ यार। अरे थोड़ा कैमरा नीचे रखो। प्रतीक सर सामने, आपके सामने प्रतीक, आपके सामने। अरे थोड़ा पीछे आगे, लाइट भी चुप रहा है यार, नीचे पैर के नीचे यार। थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ यार, समझ ले यार, सवाल पड़े पीछे पहला। सर आपके सामने प्रतीक, आपके सामने प्रतीक, आपके सामने हमारी फिल्म 2 दिसंबर को आ रही है Z5 पे, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज एज आई सेड दैट यू नो ये उस टाइम को ट्रिगर नहीं करता है, ऑडियंस को उस टाइम को रीलिव करने के लिए नहीं बोल रहा है, बट इट्स अ रिमाइंडर ऑफ अ टाइम वेयर ऑल ऑफ अस वी केम टुगेदर एज अ सोसाइटी टू फाइट दिस एंड वी सर्वाइव्ड इट।
सम ऑफ अस सफर्ड, बहुत लोगों ने अपने लव्ड वंस खोए हैं, लेकिन एक सीख मिली है. और इसीलिए जो चार कहानियाँ जो इस फिल्म में दर्शाए गए हैं वो बिल्कुल अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं. एंड इट गिव्स अ पीक इन टू अ लाइफ, यू नो, लाइक एनी आर्ट फॉर्म, चाहे वो पोइट्री हो या पेंटिंग्स हो, इट्स डॉक्यूमेंट्स द टाइम दैट वी लिव इन. इंडिया लॉकडाउन डॉक्यूमेंट्स दैट टाइम ऑफ द ऑफ आर लाइव्स वेयर globally we were hit by pandemic. So like any other art form, I think cinema too is a cinematic, you know, it has that language of an art form where it's just a documentation of a time that all of us globally sort of shared. I'm very excited. Mehruni sa ek commercial sex worker hai from Kamatipura, aur unka business directly affect hua tha lockdown se, quarantine se. एंड उनकी और उनकी कम्युनिटी की जो कहानियाँ हैं जो शायद हमने काफ़ी कम सुनी और पढ़ी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उसको हाईलाइट करती है. और हमने काफ़ी रिसर्च किया. द कॉस्ट्यूम दैट वर डन बाय शेफाली, आई थिंक आई टू जस्ट स्लिप इन टू द कॉस्ट्यूम एंड आई बिकेम मेहरूनी सा. बट यू नो, मधुर सर बींग ही सच अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर एंड ही हैज़ दैट आई फॉर डिटेल. सो द आर्ट डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर्स, मधुर सर और मैं, हम कामाटीपुरा गए थे एंड वी मेट कमर्शियल सेक्स वर्कर्स एंड आई इंटरेक्टेड विद देम. और उनके लाइफ के बारे में, पैंडेमिक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी. सम ऑफ देम वर रियली हार्ट ब्रेकिंग. बट उनका जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, कपड़े पहनने का तरीका, मेकअप कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, इट हेल्प मी एज एन एक्टर अ लॉट टू बिल्ड माई कैरेक्टर. फर्स्ट लॉकडाउन में तो आई थिंक यू नो, वी आर प्रिविलेज्ड इनफ कि हमारा सिर्फ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि हम काम कब रिज्यूम करेंगे, या यू नो, मेड नहीं आ रही है, आज खाना बनाएंगे या पोछा लगाएंगे. सो लकीली देर वॉज नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक देर वॉज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, लॉट ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट. आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ फिल्म्स. मैंने फिल्म जर्नलिंग शुरू कर दी थी. आई हैड दिस हैबिट ऑफ पिकिंग अप वन फिल्म मेकर, वन एक्टर, और उनकी मैं पूरे हफ्ते फिल्में देखती थी और उन्हें मैं माय एक्सपीरियंस में उसे जर्नल करती थी. आई रेड द भगवद गीता, आई स्टार्टेड अ ब्लॉग सीरीज. सो इट वॉज ग्रेट. आई थिंक ड्यूरिंग द सेकेंड लॉकडाउन आई थिंक इट अफेक्टेड अ लॉट ऑफ अस. उस दौरान मैंने अपनी एक पेंटिंग ऑक्शन किया था और उसे मैंने डोनेट किया था. इट वॉज 100 ईयर्स ऑफ सत्यजीत रे एंड फॉर हिज बर्थ सेंटेनरी, बींग अ ह्यूज फैन एंड अ सिनेमा पर्सन, आई मेड अ पोर्ट्रेट ऑफ सत्यजीत रेज वर्क्स एंड उनका पोर्ट्रेट. तो उस पेंटिंग को मैंने ऑक्शन किया था थ्रू माई इंस्टाग्राम एंड उससे मुझे जितनी भी राशि मिली थी वो मैंने कोविड पेशेंट्स, मेडिकली जो भी एसोसिएटेड है, हुएवर हु सफर्ड फ्रॉम द पैंडेमिक, उन्हें डोनेट किया था. सो दैट वाज माय लिटिल कंट्रीब्यूशन. बट आई थिंक जस्ट डू एज मच एज यू कैन व्हेन एवर वन कैन. तो या, दैट वाज माय एक्सपीरियंस फ्रॉम लॉकडाउन. थैंक यू सो मच. 2nd December इंडिया लॉकडाउन, Z5. हाय गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग. मैम, फर्स्टली अपनी कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी डिफरेंट किरदार लग रहा है. आपकी जितने भी किरदार हैं, इस किरदार काफ़ी डिफरेंट है. या मैं हिंदी की बात करूँ या फिर मराठी की बात करूँ, कितना डिफिकल्ट था आपको इस किरदार में लाना? और पर्सनली मैं बात करूँ, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है आप में आज में और जो शूट पूरी जर्नी के बारे में क्या कहते हैं? डिफरेंट ज़रूर है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, किरदार में जाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन किरदार में जाने के बाद जो जो एक्सपीरियंसेस पोर्ट्रे करने थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, हार्ट रेंचिंग थे. और उनकी पीड़ा महसूस करके वो एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रेनिंग था. और ऐसे किरदार निभाने में मज़ा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किरदार आपको ग्राउंडेड रखते हैं, आपको ग्रेटफुल रखते हैं हमेशा. आप के पास जो जो भी सुविधाएं हैं, आप यू आर ऑलवेज थैंकफुल फॉर देम. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फूलमती ये कैरेक्टर निभाने के बाद मैं ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो मैं लाइफ जीती हूँ, जो कंफर्ट्स मैं आज एक्सपीरियंस करती हूँ उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ. और सोसाइटी का एक स्ट्राटा ऐसा भी है जैसी कि मेरी और प्रतीक की कहानी, उनकी ये कहानी लोगों के सामने हम लाने जा रहे हैं. और मुझे स्पेशली इस कहानी के बारे में, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत प्राउड हूँ.
बताया जैसे कि इंडिया लॉकडाउन एक फिल्म नहीं, एक रियल स्टोरी भी है और कई लोगों के घरों में खाने बिल्कुल हाँ कई बार ना सिर्फ पैसों की मदद ही मदद नहीं कहलाती, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल मदद करना भी बहुत बड़ा काम है। लॉकडाउन में ना हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली थी जो लोग अकेले रहते हैं, ऐसे लोगों को हम रेगुलर इंटरवल्स पे फ़ोन करते थे, उनकी उनकी खबर लेते थे, उनकी उनसे बातचीत करते थे। और लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लोनलीनेस का, एंग्जाइटी का। सो आई थिंक हर बात पैसे से नहीं तोली जाती, नापी जाती, कई बार इंसानियत भी बहुत जगह काम आती है। मेरी बातचीत नहीं हुई लेकिन मधुर सर की नरेटिव नरेशन इतना तगड़ा था कि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने आधी प्रिपरेशन मुझसे कर ली थी। काफ़ी कुछ ट्रेलर फिल्म नहीं होती है, ट्रेलर एक झलकी होती है फिल्म की। जब आप मधुर भंडारकर का नाम लेते हैं, उनका नाम ही सिनोनिमस है हार्ड हिटिंग रियलिस्टिक सिनेमा के साथ, और उन्होंने बिल्कुल वही करने की कोशिश की है इस फिल्म के साथ। जब हम लोग लाइफ में या हम लोगों की ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ी घटना घटती है तो उसको डॉक्यूमेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जब आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं, आर्ट गैलरीज में जाते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, तो वो आपको उस सदी में लेके जाता है जहाँ पर वो हुआ था। जैसे मान लीजिए अगर आप कभी जापान गए हों और आपने हिरोशिमा या नागासाकी गए हों, तो आप लोग ने वहाँ पर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर सारी चीज़ें बरकरार हैं, ये याद दिलाने के लिए कि जब एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी तो सिटीजन्स पे क्या गुजरी थी या उस सदी में उस देश पर क्या गुजरी थी। तो मुझे लगता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है एक सदी को याद करने का। इंडिया लॉकडाउन मधुर सर की वही कोशिश है जहाँ पर हम लोग ये याद रखें कि कलेक्टिवली एज अ ह्यूमन रेस हम लोगों ने क्या फेस किया। मेरे कैरेक्टर मैं एक कमर्शियल पायलट का किरदार निभा रही हूँ और बिल्कुल हर उस लड़की की तरह जो अपना होम टाउन छोड़कर बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद ऐसे बड़े बड़े शहरों में जब हम लोग आके रहते हैं अपने घरों को छोड़कर, तो हम लोग कमाने आते हैं, हम एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगते हैं जो एक बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की होती है। और मैं बिल्कुल उस तरह की एक ऐसी लड़की हूँ जो एक इंडिविजुअल लाइफ जी रही है। बहुत ही हाई फ्लाइंग, बहुत ही लग्जूरियस जॉब है, लेकिन उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अकेली है जब तक लॉकडाउन नहीं होता है। और जब लॉकडाउन पड़ता है तो उसको कैसा अकेलापन महसूस होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी। आई रिमेंबर जब हम लोगों ने लॉकडाउन झेला था, सब लोगों ने, मुझे याद है कि काफ़ी जर्नलिस्ट मुझसे रोज़ बात करते थे और मुझसे बोलते थे कि वो लोग बम्बई में अटके हुए हैं, अपनी फैमिलीज तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और एक लोनलीनेस की लाइफ जीना एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी कि आप लोगों के साथ रहकर भी लोनली रह सकते हैं। सो आई थिंक वो एक बहुत प्यारी तरीके से उन्होंने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है मेरी कहानी के ज़रिए, और आई होप कि सबको वो वो फीलिंग महसूस हो जो मून को महसूस हुई। एंड आई एम श्योर ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर होने वाला है, मुझे लगता है कि कोई भी घर पर बैठ के देखेगा और बोलेगा कि हाँ मुझे ये महसूस हुआ। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी रिलेटेबल फैक्टर इन द स्टोरी। जी जी
आई खैर चांदनी बार मेरी उनकी फेवरेट फिल्म है, बट मुझे फैशन बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक वॉज अ वेरी कमर्शियल फिल्म, और उसमें एक बहुत हार्ड हिटिंग रियलिटी दिखाई थी फैशन वर्ल्ड को लेकर. मुझे लगा कि फैशन वर्ल्ड को लेकर बहुत कम फिल्में बनी हैं और बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसी फिल्म दर्शकों तक पहुंचा पाए हैं. आई लव्ड फैशन, वो मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म है. उसमें बहुत एक्ट्रेसेस को काम करने का मौका मिला और बहुत ही कमाल की फिल्म थी विद ग्रेट म्यूजिक. तो आई थिंक उनको रियलिस्टिक सिनेमा और एक रियल और एक कमर्शियल सिनेमा का जो एक संगम होता है मधुर भंडारकर को, वो करना बहुत अच्छी तरह से आता है. एंड आई वुड लव टू, अगर मान लीजिए कभी ऐसी फिल्म फ्यूचर में बने, आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. आला जी, एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल है. शुरुआत में आपकी आश्रम आई, आश्रम इंडिया लॉकडाउन, अच्छा, सलाम बैंक की, क्या लगता है 2022 एंड ऑफ द 2022 ये आपका साल होगा? बिल्कुल, 2022 बिल्कुल धमाका करके जाने वाला है. दो बहुत ही अच्छी फिल्में, दो बहुत ही अलग फिल्में, दो बहुत ही अलग फिल्म मेकर्स, लेकिन दोनों बहुत ही फेमिनिस्ट. जब एज आई सेड, जब हम मधुर भंडारकर के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो हमें हमेशा उनकी हीरोइनें याद रहती हैं, क्योंकि जिस तरह वो अपनी हीरोइनों को प्रेजेंट करते हैं वो उनको ग्लैमरस नहीं दिखाते हैं, बट यू नो ही मेक्स देम वेरी हार्ड, लाइक रियल कैरेक्टर्स. और वो आपकी नेबर्स हो सकती हैं और वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एक्टर्स एक्ट्रेसेस को अपने रोल्स के लिए सिलेक्ट करते हैं. जैसे मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि वो तमन्ना भाटिया को बाउंसर के रोल के लिए लेंगे, यू नो, एज अ फीमेल बाउंसर. और बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इंडिया में जो औरतों को लेकर बहुत हट के सोचते हैं, एंड आई थिंक मधुर सर इज़ जस्ट वन ऑफ देम. द सेम थिंग विद रेवती मैम, एब्सोल्यूट फेमिनिस्ट, बहुत ही प्यारी इंसान है. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने प्यारे दो डायरेक्टर्स को आज अपना दोस्त कहने का मौका मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो डायरेक्टर्स हैं जो आप उनको, आप कॉल करके उनसे आप घंटों बात कर सकते हैं और वो आपको इतनी सारी चीज़ें बता सकते हैं. एंड यू नो, somebody who's not from the world of cinema, it's very important to have these kind of directors backing you and supporting you. Thank you so much. आने वाला शुभ साल आपका ही हो. बिल्कुल, सारे साल हमारे हो. थैंक यू. सर ने मुझे ये किरदार ऑफर किया, ये फिल्म ऑफर की. आई थिंक माइग्रेंट वर्कर की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, उनके स्ट्रगल्स जानना बहुत ज़रूरी है. हमने ऊपर से सुने हैं, थोड़ा बहुत न्यूज़ में सुना है, देखा है, लेकिन ये काफ़ी गहराइयां तक हमें देखना, हमें देखने मिलेगा इनकी कहानी, इनकी जर्नी. कितने हार्डशिप्स उनको सहने पड़े, कितनी एंग्स्ट थी, यू नो. आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आई थिंक हमारा देश इतने लोगों, अलग अलग लोग और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं. आई थिंक हमारे स्पेशली इन इंडिया देर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्किंग क्लासेस, एंड आई थिंक करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो सही, वो हर चीज़ उसमें दिखाई है पिक्चर में. तो कई लोग कोरोना से घबराते थे, हमने सुशांत सिंह राजपूत को भी खोए हैं लॉकडाउन में, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? डेफिनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनटाइमली डिमाइस उनका हुआ है, और मुझे इस बात का डेफिनेटली पूरा दुख है. और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर रहा है वो, और मैं उनको जानता था, जब भी मिलते थे, वॉज वेरी वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली. मुझे याद है मिलाश उनसे छिछोरे के ट्रायल था, उसके वहाँ पे मिला था, उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया था, बहुत अच्छा काम किया था. ये डेफिनेटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है उस वक्त, और रियली वी डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, मैंने जितना भी उसके पास एक बहुत ब्राइट फ्यूचर था, बहुत कमाल का फ्यूचर था उसके, जिस तरह के उन्होंने किरदार निभाया, एक टैलेंटेड एक्टर, और सडनली इस तरह की एक चीज़ होना, और and it's really unfortunate, and definitely we miss him, we really miss him, and we the mere ghar se jo jitne unke fans hai, jo bhi
उनको किरदार निभाया, जितनी उन्होंने फिल्में की, हमेशा उसका मैंने कहा ना उसका एक बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर था। हाँ मधुर सर, जितना प्रॉब्लम में लॉकडाउन में हुआ था वैसे ही आपको ये फिल्म बनाने में कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा? लॉकडाउन में मुझे देखिए, लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ, लॉकडाउन में हमने फिल्म लिखी, उसके बाद हमने इसका शूटिंग किया, तो जब भी थोड़ा खुल चुका था, लेकिन वो बबल में शूट करते थे हम लोग, बहुत ही प्रोटोकॉल था क्या क्या करना चाहिए, सरकार के जो भी नियम थे उनको फॉलो करके हमने शूट किया। हर रोज़ हम लोग का टेस्ट होता था तब शूटिंग में। हम लोग यही सोचते थे कि भैया किसी को कोरोना ना हो, और वाकई में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जितनी भी थे हमने 26 डेज शूट किया, इसको अलग अलग लोकेशन में था इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ एंड कोई ऐसा इशू नहीं था, सब हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए उसको, और एक अच्छी तरह से वातावरण ऐसे था, सब लॉकडाउन से हम आए थे तो कैरेक्टर भी फ्रेश थे एंड एवरीबडी डिड अ फैब जॉब। जो आप ट्रेलर देख रहे हो तो आपको समझ में आ ही जाता है कि किस तरह से लोगों ने किरदार निभाया है, किस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, किस तरह से हमने शूटिंग की है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आइए।